भैया आप रुकिए, मैं जल्दी आती हूँ। कब तक बचेंगी बेगम? इस जगह का राज तो मैं आपसे खुलवा कर ही रहूंगा। चाहे इसके लिए मुझे आपके साथ कुछ भी करना पड़े। तुम इसे एक माँ की चिंता समझो या कुछ और। ये जो नई फिल्म है तुम्हारी, इतने दिनों बाद अचानक से, और वो भी नए प्रोड्यूसर। बस हम ये फिल्म जरूर करेंगे। छोटी सी प्रॉब्लम हो गई, हमें शूटिंग कल से शुरू करनी होगी। ओके ओके। वेलकम टू अंगद शोरीज़ वर्ल्ड। एक मिनट रुको। आराम से आँख खोलो। सुरभि, ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठी है? चल नीचे चल, सब तेरा खाने पे इंतजार कर रहे हैं, आ जा। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है। क्या हो गया मेरी गुड़िया को? क्या देख, हमेशा मेरी चहकने वाली सुरभि आज इतनी उदास क्यों है? अपनी माँ से नहीं बताएगी? बोल ना बेटा। क्या बताऊं, क्या करूं? अपनी गलती अपनाना माँ इतना मुश्किल क्यों होता है? मैं पहले ही ठीक थी माँ, बुरी थी, इतना दर्द तो नहीं होता था। सुरभि इधर देख, तुझसे किसी ने कुछ कहा है क्या? हाँ, बोला है किसी ने तुझे कुछ? मुझे पता, मैं अभी उस इंसान के कान खींच के उसे सीधा करूंगी। नहीं माँ, किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर माँ, वरुण आया था कमरे में। क्या गीतू, कब आया था? क्या कहने आया था? हाँ, तुझे तुझे मनाने आया था? नहीं, ये पूछने आया था कि मैंने पवित्र के पैसे क्यों लौटाए। सुरभि, ये तो अच्छी बात है ना बेटा, कम से कम उसने तुझसे बात करने की पहल तो की। हिम्मत रख बेटा, मुझे पूरा भरोसा है बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा, तुझे तेरा वरुण वापस जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए माँ, मतलब मैं चाहती हूँ माँ, मैं दिल से चाहती हूँ कि वरुण और मैं फिर से एक हो जाए, लेकिन मैं अपने मतलब के लिए फिर से उसकी लाइफ नहीं खराब कर सकती माँ। माँ, वरुण बहुत अच्छा लड़का है, उसने मुझे इतना प्यार दिया, मेरी हर मांग पूरी की, मैं तो उसे डिजर्व ही नहीं करती माँ। बट यू नो व्हाट माँ, अच्छा है कि वरुण और मैं एक साथ नहीं है, मैं किसी को डिजर्व ही नहीं करती माँ, मैं किसी के प्यार के लायक नहीं हूँ माँ। नहीं सुरभि, कोई मुझे प्यार नहीं करेगा माँ। ऐसा नहीं है सुरभि, मैं बहुत बुरी हूँ। नहीं, तो बुरी नहीं है। चुप, अब तो चुप हो जा, बस रोना बंद कर। सुन, रोना बंद कर, चुप हो जा, प्लीज चुप हो जा। हिम्मत रख सुरभि, बी स्ट्रॉन्ग। तू चल मेरे साथ नीचे। चल बेटा, सबके साथ बैठेगी ना तेरा मन शांत हो जाएगा। चल चल बाबा, चल उठ, गुड गर्ल। अब यहां सबके साथ बैठकर खाना खा। जब से तू घर आई है अकेली अकेली बैठी है। बेटा बाहर निकलेगी, लोगों से मिलेगी, तभी तो तेरा मन लगेगा ना सुरभि। सुरभि, वरुण पवित्र कहाँ है? भाभी माँ, वो ऊपर कमरे में स्क्रिप्ट पढ़ रही। भूमि, बेटा तुम भी बैठ जाओ ना, खाना खा लो। नहीं माँ, मैं बाद में खा लूंगी, अभी ऑइंटमेंट लगाया ना। तो क्या हो गया, बैठो ना, मैं तुम्हें खाना खिला देता हूँ। दाल।
I'm sorry, guys. Ashley, पता नहीं कभी कभी मुझे क्या हो जाता है, सब कुछ मेरे हाथ से फिसल ही रहा है। कोई बात नहीं बेटा, ऐसा होता है। खाना खाओ। काका जरा ध्यान से साफ कर दो, कांच अगर किसी को लग जाए तो जानलेवा हो सकता है ना। सारे टुकड़े उठा दीजिए प्लीज, वसुंधरा जी। एक्चुअली मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। वसुंधरा जी, आप सब ने मुझे अपने परिवार में रखा, घर का सदस्य बनाया, इस घर में रहने के लिए जगह दी। थैंक यू सो मच। इसमें शुक्रिया किस बात का बेटा? तुम हमारे बिजनेस पार्टनर हो, फिर इस शहर में नए हो, तुम्हारा ख्याल रखना हमारा फर्ज है। नहीं वसुंधरा जी, आजकल के जमाने में कोई भी किसी भी अजनबी के लिए कुछ नहीं करता है, लेकिन आप सब लोगों ने मिलकर मेरे लिए बहुत कुछ किया है। एंड आई वॉन्ट टू रेसिप्रोकेट, मैं चाहता हूं कि मैं भी आप सब लोगों के लिए कुछ करूं। ये मेरा मन है कि मैं अंश और भूमि जी के संगीत की तैयारियां अपने तरीके से करूं। आप समझ लीजिए कि मेरी तरफ से आप सबके लिए एक छोटा सा तोहफा होगा, खासकर आपके लिए भूमि जी। नहीं, आप नहीं कर सकते। क्यों? अब मैं क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि हमारी संगीत की तैयारी तो भाई कर रहे हैं ना, तो आप कैसे कर सकते हैं? थैंक यू युवराज, तुमने हमारे परिवार के लिए इतना सोचा, यही बहुत है। पर क्या है ना कि वरुण ने संगीत की जिम्मेदारी पहले ही ले ली है, अब यह उसका हक है। आपने सही कहा वसुंधरा जी, वरुण का हक मैं तो नहीं छीन सकता, लेकिन उसकी जिम्मेदारी को तो बांट सकता हूं ना। आखिर आप मेरी भी तो कुछ लगती है ना। सुंदरा जी, आपको देखकर तो मुझे मेरी अम्मा, मेरी मां की याद आ जाती है। बस एक बेटा समझकर ही मुझे ये जिम्मेदारी सौंप दीजिए। आप सब लोगों के इतने एहसान है मुझ पर, ये छोटा सा काम करूंगा ना तो मुझे लगेगा कि आप लोगों का थोड़ा सा कर्ज उतार दिया मैंने। इट्स ओके युवराज, भूमि और अंश की संगीत की तैयारी हम दोनों मिलके करेंगे। थैंक यू सो मच वरुण, थैंक यू सो मच। आई मीन आई अश्योर यू कि अब तो इनकी संगीत में ना चार चांद लगा दूंगा मैं, धमाके होंगे धमाके, आखिर मैं करूंगा ना। थैंक यू सो मच एवरीवन। अब इफ यू डोंट माइंड, मुझे कुछ कॉल्स करने हैं और अब तो इतनी सारी तैयारियां भी करनी है। कैन यू ऑल एक्सक्यूज मी प्लीज, थैंक यू। थैंक यू भूमि, थैंक यू। बड़ा अजीब लड़का है। हेलो, हाँ बोलो। अच्छा ठीक है, तुम पैनिक मत करो, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। मान, इस वक्त तुम कहाँ जा रहे हो बेटा? वो बड़ी माँ साइड से फोन था, वहाँ पे कुछ इमरजेंसी आ गई, मुझे अभी जाना होगा। वापस आने में थोड़ी देर हो जाएगी। कोई बात नहीं, मैं वेट करूँ। उसे भाभी,
कल से ना आप मान और भूमि का खाना मत बनवाइएगा। इनका ना एक्चुअली एक दूसरे को देखकर ही पेट भर जाता है। अब ये नजदीकियां बर्दाश्त नहीं होती बेगम, बस कुछ देर और। तुम्हारी वजह से अब इस बच्चे को मेरे वार झेलने पड़ेंगे। इतनी देर हो गई है, अंश अभी तक आए क्यों नहीं? डर गई? ये तो सिर्फ अभी शुरुआत है बेगम, बाकी सब तो संगीत की रातों का। भूमि, क्या हुआ? भूमि, भूमि बेटा क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? भूमि क्या हुआ बेटा? वो तुम्हें चिल्लाई क्यों थी? क्या हुआ? मैंने गैरेज में तुम्हारी चीख सुनी। तुम ठीक हो ना? मैंने भी इनकी चीख की आवाज सुनी थी। इनफैक्ट मैं भी बहुत घबरा गया था। लगता है इन्होंने कोई बुरा सपना देखा होगा। हाँ बेटा, क्या कोई बुरा सपना देखा तुमने? हाँ बड़ी माँ, शायद कोई बुरा सपना होगा। कोई बात नहीं बेटा, ऐसा अक्सर होता है। अब मान आ गया है, तुम जाओ, जाके आराम करो। तुम सब भी जाओ और जाके सो जाओ। तुम ठीक हो ना? क्या हुआ? एक्चुअली रात का सपना है, सच नहीं होगा। No worries. देखो बहुत रात हो गई, तुम चल के आराम कर लो।
आप भी जाइए, आराम कीजिए। गुड नाइट। गुड नाइट। चलो ये तो सिर्फ ट्रेलर था बेगम, पूरी पिक्चर तो संगीत के दिन रिलीज हो गई। पहले दरवाजा बंद कर दीजिए। अच्छा ठीक ठीक। रिलैक्स, सिर्फ एक सपना था, अब खत्म हो गया। दैट्स इट। बेगंज, सपना आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मैं भी मर जाऊंगी। प्लीज आप मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे। मुझे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा मुझे। चलो इधर आओ, आओ आराम से बैठो, बैठो यहाँ पे। जस्ट रिलैक्स, मैं यही हूँ तुम्हारे पास और मुझे कुछ नहीं होगा, ओके? मैं कुछ होने ही नहीं दूंगी आपको। आपको कुछ भी नहीं हो सकता। जब तक मैं हूँ, मैं कुछ भी नहीं होने दूंगी। मी, रिलैक्स, रिलैक्स। रिलैक्स, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। वैसे भी तुम्हें मेरी इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें जितना भी जाना है, जितना भी समझा है, मैं जानता हूँ कि तुम एक नेक और सच्ची इंसान हो। और भगवान ना हमेशा अच्छे लोगों के साथ अच्छाई करते हैं। इसलिए डोंट वरी एंड रिलैक्स, आराम से सोचो, ओके? स्लीप। नहीं, मैं अंश को इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकती। उन्हें लगता है कि मैं एक सच्ची इंसान हूं, इसलिए वो मेरे साथ इतने अच्छे से पेश आ रहे हैं। पर ये सब तो एक झूठ है। और अगर मैं इसी झूठ पर अंश का विश्वास जीतती रही तो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मुझे अंश को सच्चाई बतानी होगी। I'm sorry भूमि, मैं तुम्हारी दी हुई कसम आज तोड़ रही हूं। पर अंश की भलाई के लिए मुझे ये करना ही होगा। अंश, बोलो। अंश, मैं, आप सही थे, मैं भूमि नहीं हूं, विश्वजीत महेश्वरी की बेटी दिव्या महेश्वरी हूं। उस दिन जब आप हॉस्पिटल में भूमि को छोड़कर उसकी दवाइयां लेने गए थे तो हमारे बीच में बात हुई। मैं तो खुदकुशी करके अपनी जिंदगी खत्म करना चाहती थी,
जीना ही नहीं चाहती थी, लेकिन भूमि ने मुझे जिंदगी के असली मायने समझाए। हम बात कर ही रहे थे कि वार्ड में आग लग गई। आग से हम दोनों बच गए। लेकिन भूमि के पास ज्यादा वक्त नहीं था, उसका काफी शरीर जल चुका था, उसके लंग्स भी जवाब दे चुके थे, डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए, उसने उसने लंग ट्रांसप्लांट के लिए भी मना कर दिया, मानो उसके उसके जीने की चाह ही खत्म हो गई है। वो बस एक चीज चाहती थी कि आप सबको पवित्रा के जाल से बाहर निकाल सके, उससे बचा सके। और इसीलिए उसने उसने भूमि बनाकर मुझे इस घर में भेज दिया। अंश, ये सब मेरे लिए आसान नहीं था, लेकिन लेकिन भूमि ने हर मोड़ पर मेरा साथ दिया। धीरे धीरे करके मैंने आप सबका विश्वास जीत लिया। आप सबको यकीन होने लगा कि मैं ही आप लोगों की भूमि हूं। लेकिन फिर मेरे काले अतीत का साया मेरे आंच पर पड़ने लगा। और वो काला अतीत और कोई नहीं, युवराज मल्होत्रा है। युवराज मेरे पति है। मेरी जिंदगी को नर्क बना दिया उन्होंने। मेरे पापा को भी मार डाला। उसने कसम खाई है कि वो ये साबित करके रहेगा कि मैं भूमि नहीं, दिव्या हूं। मुझे मुझे नहीं पता, लेकिन इस सब के बीच उसे पता नहीं कहां से भूमि के बारे में पता चल गया। उसने भूमि को किडनैप कर लिया और मुझे धमकाने लगा कि वो भूमि को तभी छोड़ेगा अगर अगर मैंने घर वालों के सामने अपनी असलियत जाहिर कर दी। उसने उसने भूमि को भी मार डाला। आज मैं जानती हूं, आपको लग रहा होगा कि मैंने आपको धोखा दिया, झूठ बोला, पर यकीन मानिए, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। इस परिवार को बचाने के लिए हमें ये करना ही पड़ा। लेकिन आप ये मत समझिएगा कि आप पर कोई दबाव है। अगर आप ये शादी नहीं करना चाहते तो आपके इस फैसले में मैं आपके साथ हूं। लेकिन अगर सच्चाई जानने के बावजूद आप मुझे अपनाना चाहते हैं तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझूंगी। ऐसे चुप मत रहिए अंश, बोलिए अंश। अंश, thank you.
I'm sorry, अंश. मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन शायद शायद यही मेरी किस्मत है. तू खूनी है, सबसे बड़ी खूनी है, और तू, तूने मेरी आत्मा का खून किया है, दुष्टनी, पापनी. एक मिनट, लता दीदी, ये पागल है क्या? कभी मुझे दुष्टनी बोलती, कभी पापनी बोलती, कभी नागिन बोलती है. इसने मुझे पब्लिक प्रॉपर्टी समझ के रखा क्या? जब देखो मेरा नाम बदलती रहती है. सुमन, प्लीज प्लीज चुप हो जा. पता है ना, ये कभी भी चीखने चिल्लाने लग सकती है. और तू सबसे बड़ा पापी है. तू मैडम जी, माफ कर दीजिए, दोबारा कभी ऐसा गलती नहीं करेंगे, मां कसम. अरे चुप बकलोल, हम अपनी फिल्म के डायलॉग की रिहर्सल कर रहे हैं. बीच में अपना डायलॉग घुसा के हमारे मूड की. ये क्या हो रहा है? सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचा रखा है? अरे जगत माते, जरा देखिए तो, हमारी फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो गई है, उसी की रिहर्सल कर रहे हैं. आप औरतें घर बैठ के ही बस करती रहना, आओ बहन चुगली करें, आओ बहन चुगली करें. हम जा रहे अपनी जिंदगी का असली मजा लेने के लिए. वैसे भी इस पागल खाने से कम थोड़ी देर की शांति तो मिलेगी ना. घनश्याम काका जी, गाड़ी में हमारा खाना और हमारी शूटिंग का सामान सब पैक करके रख देना, ठीक है? और आज तो हम अकेले जा रहे हैं, पर कल से हम तुम्हें अपने साथ लेके जाएंगे. पता है, हर सुपरस्टार का एक पर्सनल बॉय होता है, हम तुम्हें रख लेंगे. चलो तैयारी करो. पर मैडम जी, ये हम कुर्ता पजामा पहन के नहीं जाएंगे, हमको मॉडर्न कपड़ा दीजिएगा. चल चल. हम अभी सामान ले आते हैं ना. हमें ये पवित्र का फैसला सही नहीं लग रहा है. लगता है जैसे जैसे कुछ गलत होने वाला है. गुड मॉर्निंग. उसे तैयार रखना, जैसे ही मैं तुम्हें फोन करूं उसे इस प्रजापति हाउस में भेज देना. यहां पे संगीत होने वाला है, पर मैं ये चाहता हूं कि इस संगीत में सिर्फ और सिर्फ राम नाम सत्य है सुनने को मिलना चाहिए. बाय. यार अंश, तुम यार आदमी बड़े अच्छे हो, लेकिन मेरे और दिव्या के बीच में आकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, और अब इस गलती का खामियाजा तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा. कल के बाद मेरा और दिव्या का सुखी परिवार, हम दो, हमारे दो नहीं, हमारे चार, और तुम्हारा अंतिम संस्कार राम नाम सत्य है. अंश, युवराज मेरी वजह से इस घर का दुश्मन बनते जा रहा है. उस पागल को इस घर से हमेशा के लिए दूर भेजना होगा, लेकिन जब तक कुछ सोच नहीं लेती, एक दो दिन के लिए ही सही, इसे कहीं दूर भेज देती हूं. कहीं ऐसा ना हो कि मेहंदी की तरह संगीत में भी वो कुछ, और अगर इसने अंश को तो नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी. इसको इस घर से बाहर निकालना ही पड़ेगा. लेकिन शर्मा अंकल, शर्मा अंकल को फोन करती हूँ, वो इनकम टैक्स में है, जरूर मदद करेंगे.
हेलो शर्मा अंकल, मैं दिव्या महेश्वरी, विश्वजीत महेश्वरी की बेटी। दिव्या, तुम बेटा कैसे, मतलब मुझे तो लगा कि तुम मर चुकी हो। मैं जानती हूँ अंकल, सबको यही लगता है। अंकल बहुत लंबी कहानी है, मैं मिलके आराम से समझाऊंगी, लेकिन फिलहाल मुझे आपकी एक मदद चाहिए। हाँ बेटा जरूर, तुम मेरी बेटी की तरह हो, बोलो क्या हुआ। अंकल वो शिरडी में ना, आप कर पाएंगे ना? ठीक है बेटा, तुम्हारा काम हो जाए। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच।